खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। तो पुराने जमाने में क्या लोग खाते थे, भाई ये सब कुछ फल फूल कंद मूल सब ऐसी चीजें खाई जाती थी। लेकिन आज जो है खाना बहुत डेवलप हो चुका है। एक काम करते हैं, आज के एपिसोड में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि फूलों के साथ कैसे खाना बना सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फूलों को खाएंगे, लेकिन खाने में किस तरह से फूल का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, अब वैसे तो गोभी का फूल भी फूल होता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ उससे अलग। अब फूल तरह तरह के होते हैं, तो गुलाब का फूल भी होता है, कमल का फूल भी होता है, मोगरा होता है, गेंदा होता है, बहुत होता है। लेकिन केले के फूल आपने देखे, ये जो है ये है केले का फूल। अगर आपने केले का पेड़ देखा है तो जब केले इकट्ठे लगते हैं तो उसके साथ में ये भी आपको कहीं नजर आता है, और उसमें से ये जो पत्ते हैं ये देखें, ये निकाल कर ये जो चीज है इसको खाया जाता है, इसे निकाला जाता है, और ये देखिए ये इस तरह से ये निकाल लिया जाता है। और जैसे जैसे आप इसकी पत्तियां निकालते जाएंगे ये देखिए ये निकलता जाएगा और इसको निकालते जाएंगे। अच्छा, आप इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये इसमें से ये बीच में से आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये काफी सख्त होता है, इसको निकाल लिया जाता है, और उसके साथ साथ ये जो है इसमें से हार्ड पार्ट जो है वो आप निकाल लें। ये देखिए ये निकाल लिया। अच्छा, इससे इसका जो रंग है ये कपड़ों पे भी लग सकता है, तो ध्यान रखें। और इसमें ये थोड़ा कड़वा भी होता है और थोड़ा सा इसमें लेस भी रहता है, तो इसको निकाल कर आप इसे काट के चॉप करके पानी के अंदर रख लें। ये देखिए पानी में डाल के रखे हुए हैं। और अब क्या करना है, अब जो हम डिश बना रहे हैं बंगाली डिश बना रहे हैं और इससे इसके चॉप बनाएंगे। ये देखिए ये मेरे पास आलू, उबला हुआ आलू, और उबले हुए आलू को ग्रेट कर लें। ये ले लिया, और प्याज चाहिए हमें, प्याज चॉप कर लेते हैं हम, और उसके साथ साथ तीखा जितना बनाना है उसके हिसाब से हरी मिर्च, ये दो तीन हरी मिर्च इसके अंदर डालें। अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। चलिए ये हो गया चॉप, और ये बनाना फ्लावर चॉप के लिए, बनाना फ्लावर कटलेट के लिए प्याज और हरी मिर्च ये ले लिया हमने, और ये इसके अंदर। और अब जरा हमें चाहिए हरा धनिया, तो हरा धनिया भी चॉप करना है, वो भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो हरा धनिया चॉप हो गया। और अब हरा धनिया इसके अंदर डाल देते हैं। ये लीजिए हरा धनिया। अब ये जो हमारे पास है बनाना फ्लावर, इसमें से पानी अच्छी तरह से निकाल के ये इसके अंदर पानी निकाल लिया, ये इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालते हैं नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वादानुसार। अच्छा, ये बंगाली स्टाइल में बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा मीठा भी डालेंगे, तो ये चीनी और उसके साथ साथ थोड़ा सा पेपर, काली मिर्च पिसी हुई, हरी मिर्च तो है ही, और इसके साथ साथ थोड़ा विनेगर, हाँ थोड़ी सी खटाई इसके अंदर ये विनेगर की, और इसमें हमें चाहिए पॉपी सीड्स। जी हाँ, ये जो है खसखस पुस्तो, और इसे भिगो कर अच्छी तरह से पानी के अंदर भिगो कर रखें और फिर इसे पीस लें। तो पुस्तो इसके अंदर ये लेकर सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, आलू पुस्तो और ये सब। ये देखिए अब इसे हमने फ्राई करना है, तेल गरम कर लेते हैं हम, और अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे हमने फ्राई करना है, तेल गरम हो जाए और बस इसे काम करते हैं।
बड़े छोटे कैसे आप बनाना चाहें इसके चॉप्स बनाएं, लेकिन तेल होना चाहिए गरम। ये लीजिए, ये इस तरह से बनाया, थोड़ा सा इसको शेप दे दिया, गर्मा गर्म फ्राई करें और थोड़ा जब ये पकने लग जाए पलटें। भाई डालने के बाद दोनों तरफ से इसे सेक लें, तल लें, डीप फ्राई करें, गर्मा गर्म परोसें, या जब अच्छे करारे लाल हो जाए उसके बाद इसे परोसें गर्मा गर्म। और फूल कहाँ गया? जी हाँ, फूल ये रहा, केले का फूल। नोट करें इसके इंग्रीडियंट्स, उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए एक केले का फूल, एक बड़ा चम्मच खसखस, दो प्याज, चार हरी मिर्चें, दो आलू उबले और मसले हुए, एक कप हरा धनिया कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, दो छोटे चम्मच चीनी, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो छोटे चम्मच सिरका और तलने के लिए तेल। इसे बनाने के लिए केले के फूल में से सफ़ेद फूल निकालें और इसकी हार्ड स्किन निकाल कर काट लें। अब इसे पानी में करीब 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें और इसे निचोड़ कर निकाल लें। खसखस को 2 बड़े चम्मच पानी में करीब 1 घंटे तक भिगो कर रखें और इसे पीस कर इसकी पेस्ट बना लें। अब मसले आलू में प्याज और हरी मिर्चें काट कर डालें। इसमें हरा धनिया, केले के फूल, नमक, चीनी, काली मिर्च पाउडर, सिरका और खसखस की पेस्ट डालकर मिलाएं और इस मिक्सचर की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मनचाही शेप दें और इसे गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें और किसी भी किचन टॉवल पर निकालकर गर्मा गर्म सर्व करें।